प्रदेश के जीटी रोड बेल्ट में सीईटी के मसले और बेरोजगार युवाओं को लेकर कांग्रेस की नई बनी एसआरके यानी शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी टीम ने सीएम सिटी करनाल में युवा अधिकार यात्रा का नेतृत्व किया। हाथों में तिरंगा लेकर युवाओं की यात्रा कांग्रेस नेताओं के साथ कई किलोमीटर पैदल चली है। पुलिस ने जब यात्रा को बैरिकेड लगाकर रोका तो यात्रा में शामिल लोगों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इस दौरान दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे कई बार जाम रहा। करनाल में आज युवा अधिकार यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के तीनों बड़े नेता तुम्हारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का नेतृत्व तो कर रहे हैं और 10 किलोमीटर पैदल यात्रा संघर्ष इसी को कहते हैं। ये हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर हरियाणा का जो युवा जिसका जीवन जिसका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने अंधकार में धकेल दिया है। सीईटी के बहाने जो इनके साथ भद्दा मजाक हुआ है आज उसके खिलाफ हम इन बच्चों के साथ इनके साथ इनका सहयोग करते हुए हम वो मुख्यमंत्री जी निवास तक सरकार के लोग कहते हैं जो आंकड़े आ रहे हैं फैब्रिकेटेड है। कांग्रेस के लोग करा रहे फैब्रिकेटेड आंकड़े बता रहे हैं। ऐसा है इसका सोर्स खुद सरकार है, सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, पार्टियां हैं जिसके माध्यम से ये सारे आंकड़े आए। आप भी भिवानी से करनाल में ये संघर्ष चल रहेगा। नौजवानों का संघर्ष है, बेरोजगारों के लिए संघर्ष है, ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का संघर्ष। रणदीप जी प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट बहुत अहम है, बीजेपी के लिए है तो कांग्रेस के लिए भी। हरियाणा के कोने कोने से आए युवाओं की लड़ाई है। हरियाणा के युवा आज ये कहने आए हैं कट्टर दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी चेत जाओ, सीईटी के 11,22,000 बच्चों के भविष्य का अंत मत करो, 3,59,000 पास हुए युवाओं को बुलाओ, सीईटी का रिजल्ट ठीक करो, वरना इस सरकार का तख्ता पलट होगा और अर्श से फर्श तक का सफर सरकार को तय करना होगा। ये 10 किलोमीटर पैदल चलेगा आज, ये 17 किलोमीटर की यात्रा है, मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। सिरसा रैली करें इसके बाद। सिरसा भी कांग्रेस की रैली है, ये हमारे युवा अधिकार यात्रा युवाओं की लड़ाई है, हम तो इसमें शामिल हुए हैं। कहने के लिए करो या मरो, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये प्रदर्शन जो है मेरा रंग दे बसंती चोले वाले माहौल को जगाता है, लिहाजा यहीं से एक हुंकार उठेगी, बेरोजगारों की मांग पूरी होगी और प्रदेश की जनता जो अपेक्षाएं पूरा करना चाहती है इनका कहने की अब सरकार जरूर एक्टिव नजर आएगी। कैमरामैन राजेश कुमार सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया करनाल सीएम सिटी।